प्रॉब्लम, क्या तुम मुझे आज शाम मिल सकते हो? देखो शिवानी, मैं जानती हूँ हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा। मैं ये भी जानती हूँ कि दो दिन में अनीता और तुम शादी कर रहे हो। सिर्फ 10 मिनट, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट तुम अनीता को भी साथ लेकर आना। ठीक है, कहाँ मिलना है? ठीक 6:30 बजे सिटी पार्क होटल। आई वेट फॉर यू। थैंक्स विक्रम। मैं तुम्हें और अनीता को एक साथ खुश नहीं देख सकती। विक्रम, हम लोग यहाँ कब से बैठे हैं? कब आएगी तुम्हारी ये एक्स गर्लफ्रेंड? फोन भी नहीं उठा रही है। पता नहीं हमें क्यों बुलाए यहाँ पे और मुझे क्यों बुलाया है। Anyways, I am not interested in meeting that bitch. Just chill, Anita. कुछ important होगा। हाँ जरूर, कोई खुश कभी सुनानी होगी नहीं? Stop it, Anita. Don't tell me to stop it. First of all, you agreed to meet her. कुछ पता चला? हमने पता लगाया कि ये सब किसने किया। अनीता जी, क्या आप किसी महेश को जानते हो? जी, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। वो अच्छी तरह जानता था कि आप ठीक 6:30 बजे घर आते हो। और विक्रम के आने तक, यानी 7:30 बजे तक घर में बिल्कुल अकेली रहती है, इसलिए उसने अपने आदमी को ठीक 6:45 पर आपके घर भेजा। और उसने बिचारी शिवानी जी को आप यानी कि अनीता समझकर मार दिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आपने कहा कि शिवानी जी ने आप दोनों को बाहर बुलाया, राइट? तो वो आपके घर क्या कर रहे हैं?